नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको लेकर आई हूँ मेरी दीदी जी के घर पे, मेरी बड़ी बहन के घर पे। और ये बड़ी बहन की बहू रानी है, यानी हमारी प्यारी सी बहू रानी। इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इनका नाम है श्रीमती साक्षी, और जब से आई है हमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना के खिलाती है। तो आज हमें क्या बना के खिलाएंगे आप? आज हम बने मोमोज बनाएंगे। मोमोज बनाएंगे? अच्छा, तो मैं आई हूँ क्योंकि स्पेशली मोमोज बन रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बहू रानी, सबसे पहले आप क्या कर रही हैं? अब हम मोमोज के लिए पहले सब्जियाँ काटेंगे, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, ओके। वेज अच्छे लगते, नॉन वेज अच्छे लगते दोनों अच्छे। एक प्लेट दे, नमक दो, भीगा हुआ है क्या? बारिश हो रही है? बारिश हो रही है। अंदर गया कितना कम लगा तेल। मोमो के लिए आटा सख्त चाहिए ना दीदी? हाँ सख्त चाहिए। बस बस
ये बात और थोड़ा ले लो मोमोज में अच्छा तो आपका मसाला हो गया तैयार है ना। हरा मिर्च क्या रखा है? पंजे में से चेले क्या? कहाँ से डूबा है? थैंक यू। आराम से लगा इधर देखो ना नस
हम इसे इस पे पार्सल करेंगे ऐसे देखे वो पहले स्वाद आए मैं सिखा दूंगी ना क्या टेस्टी बनाना बहुत टेस्टी तो भैया कैसा है मोमो ओ बहुरानी ने बहुत जबरदस्त बना दिया मोमो अच्छा बनाती है ना बहुरानी अच्छा जब भी देखो बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती है खाना वो बहुत अच्छा बनाती है अच्छा बनाती है मोमो बहुत अच्छा बनाया चटनी बहुत जबरदस्त बना दिया काम चटनी का क्रेडिट मम्मी को जाता है आपने देखा हमारी बहू रानी जी ने कितनी मेहनत की मोमो बनाने के लिए इनके परिवार ने भी बहुत हेल्प की थोड़ा बहुत मैंने भी बनाया और खाने को भी हम सबको बहुत मजा आया थैंक यू बहू रानी आपने इतना टेस्टी मोमो बनाया और आगे पीछे भी बहुत अच्छा खाना खिलाती है तो दोस्तों बारी है आज के टॉप कमेंट की और टॉप कमेंट है ये इसी तरह आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और ये जरूर बताइए कि आप किस जगह से हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए हम सब अपना ख्याल रखते हैं बाय